स्कीम नंबर 36 ग्वाल टोली मुक्तिधाम जाने वाली तीन राह है। ये तीनों राह मुश्किल भरी है। कोई सड़क कच्ची है तो किसी को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। जो एक रास्ता अच्छा था वह भी अब जर्जर हालत में पहुंच गया है। अंतिम संस्कार करने वालों को गिट्टी मिट्टी भरे रास्ते से होकर मुक्तिधाम पहुंचना पड़ता है। इससे अंतिम यात्रा में आने वाले तो परेशान होते ही है, साथ में रहवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश में परेशानी और बढ़ जाती है। शहर में कलेक्टोरेट रोड से लगी स्कीम नंबर 36B क्षेत्र में पुराना मुक्तिधाम है। यह उपनगर ग्वाल टोली की सीमा से लगा होने के कारण इसे स्कीम नंबर 36 ग्वाल टोली मुक्तिधाम के नाम से जाना जाता है। यहां दोनों कॉलोनियों सहित आसपास की 12 से ज्यादा वैध अवैध कॉलोनियों के रहवासी मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए लाते हैं। मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते हैं और तीनों ही खराब हो गए हैं। स्कीम नंबर 36B की तरफ से बोहरा कॉलोनी के सामने आने वाला रास्ता आधा बना है और कलेक्टोरेट की तरफ से आने वाला रास्ता कच्चा है। ग्वाल टोली की तरफ से आने वाला डामरीकृत मार्ग जगह जगह से खराब हो चुका है। मृतक की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को कच्चे व पथरीले रास्ते से होकर मुक्तिधाम पहुँचना पड़ता है। अब जो ग्वाल टोली और 36 नंबर के मध्य जो शमशान जो स्थित है, और ये बहुत बड़ा जो क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी यहाँ जितने भी दाह संस्कार होते हैं वहाँ पर यहाँ जलाए जाते हैं, उनका दाह संस्कार यहाँ किया जाता है। और अभी आपने देखा कि कोरोना काल में जब शहर के मध्य बस स्टैंड का जो शमशान था वहाँ जब कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्टेड वाले जो वहाँ जहाँ दाह संस्कार हुए, ऐसे में जब नगर पालिका ने स्वयं उनको जो दूसरे क्षेत्रों के, चाहे वो इंदिरा नगर हो, ग्वाल टोली हो, अपना जवाहर नगर हो, विकास नगर नगर हो, या नीमच के आसपास के जितने भी कॉलोनियों के जिनके परिवारों में जो दिवंगत हो जाते हैं उनको जलाने के लिए जब यहाँ बस स्टैंड स्थित वो शमशान में मना कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में सारे जो शवों का दाह संस्कार ग्वाल टोली स्थित 36 नंबर शमशान पर ही हुआ। और चूंकि अभी बारिश का समय है और वहां जाने के तीन ही मुख्य रास्ते हैं, और अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो चाहे बोहरा कॉलोनी से पीछे वाला रास्ता हो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और ग्वाल टोली ये जो अपन 36 नंबर से पीछे से और जाते हैं तो वो भी पूरी तरह से मतलब जो रास्ता बंद है और मेन रास्ता वो भी है। तो ऐसे में नगर पालिका को चाहिए कि वो इसको डामरीकरण करे, सीसी करे और रास्ते को दुरुस्त करवाए, ताकि आने जाने वाले जितने भी जो दाह संस्कार के लिए जो जाते हैं उनको किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े ऐसी स्थिति में। और उसके साथ ही आप ये देखेंगे मुख्य मार्ग जो जो कॉलोनियों के हैं वो भी बरसात से पूर्व इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि वे जो अपने सीमा के अंतर्गत जितने भी रोड आ रहे हैं, वार्डों के हों चाहे मुख्य मार्ग जितने भी हों, उनको डामरीकरण व सीसी रोड करवाएं, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए।